Vayam Prabha. Digital India. Educated India. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जिस डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ ला बी एच ओ सो दिस इज माई सिक्स लेक्चर टू विच आई एम गोइंग टू प्रजेंट बिफोर यू ये मेरा छठा चैप्टर है और चूंकि मैंने प्रस्तुतिक और चूंकि मैंने प्रस्तुतिकरण का माध्यम हिंदी रखा है और इसलिए मैं विशेषकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने स्लाइड बनाई है जिससे कि वे डिफरेंट स्टेट्स के जो जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन हैं न्यायिक सेवाएं परीक्षाएं हैं उसमें और ए के जो एग्ज़ामिनेशनस हैं उसमें भी वे इस व्याख्यान के माध्यम से लाभान्वित हो सकें इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये हिंदी माध्यम को सिलेक्ट किया है और जैसे कि उनमें एक आत्मविश्वास हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों के लिए उनमें आत्मविश्वास की जो मैं कमी महसूस करता हूँ मेरा जो व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में अनुभव रहा है तो उस कमी को पूरा करने का प्रयास मैं इस स्लाइड के माध्यम से किया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी के लिए लाभ लाभप्रद होगा तो चर्चा करते हैं कि आपराधिक मामलों में ट्रायल बेछाण की प्रक्रिया क्या है कैसे ट्रायल होता है इसमें देखेंगे ट्रायल क्या है ट्रायल की डिफिनीसन क्या है और फिर ट्रायल कितने प्रकार का है तो यह जैसा कि यद्यप ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है दंडिक विधि के अंतर्गत इंक्वायरी जांच को डिफाइन किया गया है परंतु ट्रायल डिफाइन नहीं है जैसे अन्वेषण दिया है इंक्वायरी है परंतु ट्रायल विचारण सीआरपीसी के अंतर्गत डिफाइन नहीं है इसको सरल भाषा में समझा जा सकता है कि ट्रायल विचारण से तात्पर्य न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में अभियुक्त के प्रति दोषी या निर्दोष होने के विषय में निष्कर्ष का निष्कर्ष तक पहुंचना इसको और सरल भाषा में हम कहें कि व्हाट इज ट्रायल ट्रायल क्या है विषाण क्या है तो आपराधिक मामलों में आपराधिक न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रारंभ की गई न्यायिक कार्रवाई और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि क्या अभियुक्त अपराधी है या निर्दोष है तो जो ट्रायल का उद्देश्य है जो ट्रायल का ऑब्जेक्ट है वह उद्देश्य है यह न्यायालय के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि क्या अभियुक्त अपराधी है या निर्दोष है तो यह ट्रायल की परिभाषा संक्षिप्त परिभाषा और ट्रायल का उद्देश्य मैंने बताया अब चूंकि ट्रायल क्यों ट्रायल क्यों आवश्यक है तो ट्रायल की आवश्यकता बिना ट्रायल के यह, यह संभव नहीं है कि आपराधिक न्यायालय यह निश्चित कर पाए कि अभियुक्त अपराध किया है या अपराध नहीं किया है निर्दोष है तो इसलिए घटित अपराध के लिए अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है या पता लगाने के लिए ट्रायल एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है न्यायालय के द्वारा अब चूंकि वे कौन से तत्व हैं जो फेयर ट्रायल के लिए आवश्यक हैं निष्पक्ष विचारण के लिए आवश्यक हैं मैंने जैसा कि आपको पहले भी अपने लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि राइट टू फेयर ट्रायल यह यू डी एच आर नाइनटीन फोर्टी एट के अंतर्गत भी एक मानवाधिकार है निष्पक्ष विचारण का अधिकार राइट टू बी ट्राइड फेयरली किसी भी अभियुक्त का सक्षम न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष विचारण यह एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है यदि किसी भी व्यक्ति को डाउट है संदेह हो गया पब्लिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में तो निश्चित रूप से यह आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए वे कौन से तत्व होंगे जो जिसे कहा जाए कि ट्रायल फेयर है और अभियुक्त के मस्तिष्क में भी भले उसको सजा हुई हो लेकिन अभियुक्त को कम से कम इस बात का विश्वास हो कि पूरा का पूरा जो न्यायालय की प्रक्रिया है न्यायालय की जो प्रोसीडिंग है वह फेयर थी निष्पक्ष थी इसलिए उस संदेह को उस विश्वास उस को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि विचारण के दौरान वे स्टेप्स वे कौन कौन से आवश्यक सुविधाएं हैं वे उस कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं जिससे कि अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाना चाहिए तो मैंने जैसा कि बताया इस लाइड के माध्यम से आप देखें ट्रायल क्या है मैंने बताया कि विचारण ट्रायल अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के न्यायालय का निष्कर्ष है राइट टू फेयर ट्रायल इज़ ह्यूमन राइट मैंने जैसे इसको बताया यू में दिया हुआ है आप इस चीज़ को करें दूसरा अब देखते हैं ट्रायल इस स्लाइड के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि ट्रायल इसमें चार प्रकार के होते हैं सेशन ट्रायल है वारंट ट्रायल समन ट्रायल समरी ट्रायल ये मैंने सुविधा के लिए सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल दोनों को अलग अलग कर दिया यद्यप कि सेशन ट्रायल भी वारंट ट्रायल ही होता है यह छात्रों के मस्तिष्क में डाउट हो सकता है कि क्यों इसको अलग कर दिया गया मैंने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों ट्रायल को अलग किया है यद्यप कि सेशन ट्रायल वारंट ट्रायल होता है परंतु चूंकि सत्र न्यायालय के द्वारा जो ट्रायल की प्रक्रिया है टोटली डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको इस स्लाइड के माध्यम से चार भागों में किया जैसे कि छात्र को छात्रों को आसानी हो आप सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है इस स्लाइड में मैं देखा कि मैंने देखा कि सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक के को सत्र न्यायालय के द्वारा बीछाण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों में ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है सेक्शन टू थर्टी एट से टू फिफ्टी उसको स्लाइड में देखें नीचे मैंने लिखा हुआ है इसके बाद समन ट्रायल कहाँ से है टू फिफ्टी वन टू फिफ्टी नाइन तक दिया हुआ है फिर संक्षिप्त ट्रायल है किन मामलों में संक्षिप्त ट्रायल होगा ये सी आर पी सी का सेक्शन टू सिक्सटी से टू सिक्सटी फाइव दिया हुआ इस स्लाइड को यदि आपने एक ध्यान में रखा तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में ट्रायल के प्रति कितने प्रकार के ट्रायल होते हैं ट्रायल कैसे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है आप उसको कर पाएंगे अब आते हैं एक एक करके इसमें व्याख्या करते हैं कि ट्रायल वारंट ट्रायल क्या है सेशन ट्रायल क्या है मैंने चूंकि इसमें स्लाइड में बत जो हमारा जो टॉपिक है वह है आपराधिक मामलों में विचारण की प्रक्रिया ट्रायल की प्रक्रिया तो अब इसको देखें जो सेशन ट्रायल है सत्र न्यायालय के द्वारा बिचारण कैसे किया जाता है यह सीआरपीसी की धारा 225 से लेकर के 237 तक में दिया गया सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक में दिया हुआ है अब इन धाराओं के अंतर्गत जो प्रारंभिक धारा है सेक्शन 225 उसमें बताया गया है कि सत्र न्यायालय के समक्ष कार्रवाई का आरंभ लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा यह लोक अभियोजक के द्वारा क्यों किया जाएगा सत्र न्यायालय के समक्ष कार्रवाई उसका केवल और केवल कारण यह है कि भारतीय शासन नियम की धारा 101 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो यह कहता है कि अपराध किया गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केस ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन अभियोजन पर आपराधिक मामलों में सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ सदैव अभियोजन पर होता है अभियोजन को यह साबित करना होता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है उसी अवधारणा के तहत जब भी सत्र न्यायालय के समक्ष कार्रवाई आरंभ की जाएगी तो वह लोक अभियोजक सरकार की तरफ से जो सरकार के पक्ष को रखता है पीड़ित पक्ष को जो रिप्रेजेंट करता है न्यायालय के समक्ष लोक अभियोजक ही साबित करने का प्रयास करेगा कि, कि किसी तारीख और समय पर अभियुक्त के द्वारा यह अपराध किया गया है चूंकि सत्र न्यायालय के समक्ष जो अपराध ट्रायल किए जाते हैं वे आवश्यक रूप से आप सभी को मालूम होगा वो वारंट केस ही होते हैं वारंट मामले भी होते हैं वारंट मामले क्या है इसकी परिभाषा सीआरपीसी की धारा टू एक्स में दी गई है सीआरपीसी की धारा टू एक्स के अनुसार वारंट मामलों से तात्पर्य उन मामलों से है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं इसमें थोड़ा सा एक संशोधन करेंगे जो सी की सी आर की धारा टू एक्स और टू डब्ल्यू है इन धारा टू एक्स में वारंट केस को डिफाइन किया गया और धारा टू डब्ल्यू में समन केस को डिसाइड किया गया है तो वारंट केस केस क्या है और वारंट वारंट मामलों में वारंट केस में ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा पर्टिकुलरली सत्र न्यायालय के समक्ष समस्त मामले वारंट ट्रायल ही होते हैं सत्र न्यायालय है चूंकि जिले स्तर पर सत्र न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय आपराधिक न्यायालय है, है। इसलिए सत्र न्यायालय के समक्ष वे ही मामले बिछाण किए जाते हैं जो मृत्युदंड आजीवन कारावास और दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं ये मैंने जो चीज़ बताई आपको इसको ध्यान देना है यद्यप कि वारंट मामले धारा टू एक्स के अनुसार वे वारंट मामलों से तात्पर्य उन मामलों से है जो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं वे सभी अपराध वारंट केस वारंट मामले कहे जाते हैं लेकिन सत्र न्यायालय चूंकि जिले स्तर का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय है उसके समक्ष जो भी मामले ट्रायल में आते हैं वे मृत्युदंड आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों का ट्रायल सत्र न्यायालय करता है तो प्रश्न है कि दो जो दस वर्ष से कम के कारावास से मामले हैं उनका ट्रायल कौन कोर्ट करता है उसके लिए आप जब सेक्शन सिक्स पढ़ेंगे सी की धारा छः पढ़ेंगे तो उसमें आपराधिक न्यायालयों की हायर की दी गई है कि कौन से क्रिमिनल कोर्ट आपराधिक न्यायालयों का हारकीी क्या है क्रम क्या है यह सेक्शन सिक्स में दिया गया है सेक्शन ट्वेंटी नाइन और सेक्शन सिक्स और ट्वेंटी नाइन को मिला के पढ़ेंगे तो आपराधिक न्यायालयों का जो क्रम है वह मैंने आ, पहले ही एक स्लाइड में बत, प्र, अपने प्रारंभिक प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि आपराधिक न्यायालयों के क्रम में सबसे प्रारंभिक न्यायालय जो है वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग है यदि मैं इस स्लाइड पर ही बताने का प्रयास करूं तो आप एक मिनट के लिए आप इस स्लाइड को देखें आपराधिक न्यायालयों का जो क्रम होगा उसमें सबसे नीचे होगा जे एम फर्स्ट होगा उसके ऊपर होगा सी जी एम सी जी एम को बोलते हैं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सी जी एम के ऊपर होगा असिस्टेंट सत्र न्यायालय और असिस्टेंट सेशन कोर्ट के ऊपर होगा सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय इसके ऊपर होगा हाई कोर्ट और सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट यह हरकी है यह हरकी है आपराधिक न्यायालय की तो मैं समझता हूँ कि इसको आप यदि सेक्शन सिक्स और सेक्शन ट्वेंटी नाइन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग प्रारंभिक न्यायालय आपराधिक अपराधी जो सबसे फर्स्ट क्रिमिनल कोर्ट है वह है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसके पश्चात आता है सीजियम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके पश्चात है सहायक सत्र न्यायाधीश उसके पश्चात है सत्र न्यायाधीश और उसके बाद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरोपरि स कोर्ट तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी को डाउट नहीं होगा लेकिन आपराधिक न्यायालय में जो प्रारंभिक कोर्ट है जो फर्स्ट कोर्ट है वह कौन सा होगा तो जुडिशल जुडिशियल फर्स्ट क्लास का कोर्ट है अब इसको ध्यान रखना है कि जो जे फर्स्ट है वह कितना पनिशमेंट दे सकता है कितना यदि हैर की कोर्ट की मालूम है तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो आप और सीआरपीसी की जो क्लैरिटी है निश्चित रूप से आपको होगी तो की आप क्रिमिनल कोड को जरूर ध्यान में रखें अब प्रश्न है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की क्या जुडिक्शन है कितना पेनाल्टी इंपोज कर सकता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम दस हजार रुपए का जुर्माना लगा सकता है और तीन वर्ष का कारावास दे सकता है तो वे सभी अपराध जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं अधिकतम दस हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की कोर्ट में आएंगे अब वे अपराध जो तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनी हैं और सात वर्ष तक के कारावास तक दंडनी हैं वे अपराध उन अपराधों का ट्रायल कहाँ होगा उसमें दंड कौन देगा वह सी की कोर्ट में आएगा अर्थात वे अपराध जो आईपीसी के अंतर्गत या अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं और सात वर्ष तक के कारावास तक दंड दंडनीय हो सकते हैं उन अपराधों का ट्रायल विचारण सीजीएम कोर्ट में होगा और सीजीएम दंड देने की पावर रखता है ये उसका जुडिशन है सात वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध पर आएंगे वह सहायक सत्र न्यायालय की कोर्ट में आएंगे सहायक सत्र न्यायालय उसमें दंड देने की अधिकारिता रखता है दस वर्ष से अधिक और मृत्युदंड देने की और वे अपराध जिसमें दस वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान हो और जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है उन अपराधों वे अपराध किस न्यायालय में आएंगे सत्र न्यायालय में उनका भीषाण होगा ट्रायल होगा और सेशन डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो जिला सत्र न्यायालय है उसमें पनिशमेंट देने की पावर रखता है और वहाँ होगा तो अब इस अब यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि सत्र न्यायालय के समक्ष कौन से आपराधिक मामले आएंगे और सत्र न्यायालय कितना पनिशमेंट दे सकता है और उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं सत्र न्यायालय के नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उनकी क्या क्या पावर है कितना वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया सी वे सभी अपराध जिसमें सात वर्ष की सज़ा हो सकती है सी डिसाइड करेगा और सी को जुर्माना लगाने की अनलिमिटेड पावर है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है और जे एम फर्श पर केवल लिमिटेशन है कहीं किन्हीं किन्हीं राज्यों में चूँकि सी आर पी सी स्टेट कन सूची का विषय है तो राज्य अमेंडमेंट भी स्टेट अमेंडमेंट भी सी आर पी सी में हुए हैं तो किसी किसी राज्य में न्यायिक महेश्वर सेकंड भी है जीएम सेकंड क्लास भी है ऐसा भी देखने को मिलता है लेकिन मैंने जो हार की बताई है इतना ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपराधिक न्यायालय का जो क्रम है वह आपको स्पष्ट होगा और यह मैंने बताने का प्रयास किया है तो सत्र न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल का प्रक्रिया धारा 225 से लेकर के दो सौ सैंतीस तक दिया हुआ है मैंने जो इसमें चूज किया है स्लाइड के माध्यम से आप देखें दूसरा वारंट ट्रायल को ही लिया है क्योंकि अगर वारंट ट्रायल आप समझेंगे चूंकि यह एक लेक्चर में सारे ट्रायल में नहीं बता सकता मैंने केवल इस चार ट्रायल हैं तो निश्चित रूप से इसमें चार लेक्चर होने चाहिए लेकिन मैंने एक लेक्चर इस इस लेक्चर इस व्याख्यान में मैंने वारंट ट्रायल इस चार तो बाइफर्केट कर दिया कि ये चार प्रकार के ट्रायल होते हैं और चार में वारंट ट्रायल पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया है यदि कि वारंट ट्रायल आपको समझ में आ गया तो उससे जुड़ा हुआ सेशन ट्रायल है भी और समन ट्रायल और समरी ट्रायल के लिए अलग से इस पर बातें होंगी वारंट ट्रायल आप स्लाइड में देख सकते हैं कि वारंट ट्रायल को मैंने लिखा हुआ है धारा दो से लेकर के 250 तक में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वह वा वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया क्या होगी इसको बताया गया है अब सेक्शन 238, सेक्शन 239, 240 और 241, 242 इतना ये जो प्रावधान है एक रफली आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि सेक्शन 238 क्या है 239 क्या है और सेक्शन 240 क्या है ये स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा और मैंने देखिए लिखा है धारा दो के नीचे ही फेयर ट्रायल इसको एक हाईलाइट करके कि संभव नहीं है कि इसको पूरा स्लाइड के माध्यम से आपको बताया जाए फिर मेरा मेरा रोल क्या होगा मेरी भूमिका क्या होगी तो मैंने उसको सेक्शन 238 में आप इसको देखें कि फेयर ट्रायल मैंने लिखा हुआ है फिर नीचे लिखा हुआ है कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 अब आते हैं कि दो चीजें जो हमने सेक्शन 238 में ही लिख दिया है कि सेक्शन ये क्या है फेयर ट्रायल क्या है और धारा 220 207 का कंप्लायंस क्या है अब इसको डिस्कस करते हैं तो वारंट मामलों में ट्रायल की प्रक्रिया यह सेक्शन 238 से लेकर के और 250 तक सी सी में दिया हुआ है वारंट केस किसे कहेंगे पहले तो ये जानना है पहले तो जाने कि वारंट मामले क्या हैं तब उसमें ट्रायल कैसे होगा इसको समझें तब समझ में आएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि वारंट मामले से तात्पर्य उन मामलों से है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास और दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं वारंट मामले कहलाते हैं अब वारंट मामले का ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा होता है मैंने सेशन कोर्ट पहले ही बता दिया मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा वारंट वारंट मामले का ट्रायल किया जाता है तो जो पहला स्टेप है कि यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले में ट्रायल प्रारंभ किया जाता है विचारण प्रारंभ किया जाता है तो सेक्शन 238 थर्टी एट सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दो यह प्रावधानित करती है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट विचारण प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि क्या दंड सीआरपीसी की धारा 207 का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं अब ये सेक्शन 207 का अनुपालन क्यों आवश्यक है सेक्शन 207 सीआरपीसी का ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 207 सीआरपीसी क्या है यह फेयर ट्रायल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो निष्पक्ष विचारण है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चूंकि कोई भी विचारण निष्पक्ष कब होगा इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं यदि उस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि जो बिचारण हुआ है वह फेयर नहीं है तो ये देखते हैं कि क्या आवश्यकताएं क्या उसकी रिक्वायरमेंट हैं फेयर ट्रायल की 207 के कंप्लाइंस की बात क्यों कही गई है तो वारंट मामले में विचारण के प्रारंभ के पूर्व आपराधिक न्यायालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि क्या 207 का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं है इसको मैं अगली स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि 207 है क्या इसमें देखें 207 को मैंने स्लाइड के माध्यम से लिखा हुआ है कि निष्पक्ष विचरण का अधिकार राइट टू फेयर ट्रायल इसमें एफ आई आर की निःशुल्क कॉपी चार्जशीट वन सेवेंटी की कॉपी लिस्ट ऑफ़ पी डब्ल्यू मैंने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ़ प्रोसिक्यूशन विटनेस देन मैंने इसमें लिखा हुआ है 164 की स्टेटमेंट फिर मैंने लिखा हुआ है कि 207 का कंप्लायंस न करना कार्रवाई को अपास नहीं किया जा सकता मात्र इरेगुलरिटी होगी किस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस का नाम है नूर खान वैसे स्टेट ऑफ राजस्थान ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इसी बात को ये सारे जितने कंटेंट हैं ये 207 के अंतर्गत ही हैं 207 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं मैंने इसको एक जगह बताने का प्रयास किया है अब इसको देखते हैं कि वारंट ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष जैसे ही प्रारंभ होगा वैसे ही मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि क्या अभियुक्त को एफ आई आर की निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराई गई है अथवा नहीं ऐसा क्यों यह बाध्यता इसलिए द्रोपित की गई है कि एफ आई आर की जो कॉपी है उसको अगर निःशुल्क अभियुक्त को प्रदान किया जाएगा अभियुक्त तो कम से कम यह जान पाएगा कि किस तारीख और समय पर उसके विरुद्ध कौन से आरोप लगाए गए हैं इसलिए एफ आई जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वह यफ की जो कॉपी है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को उपलब्ध कराई जाएगी दूसरा जो सेकेंड स्टेप है यफ की कॉपी उपलब्ध कराने के पश्चात जो 161 सिक्सटी वन स्टेटमेंट पुलिस ने अन्वेषण के दौरान जो गवाहों की लिस्ट प्रिपेयर किया है जिसको हम सरकारी गवाह बोलते हैं हिंदी में और शुद्ध भाषा में उसको बोलते हैं अभियोजन साक्षी प्रॉसिक्यूशन विटनेस सो लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस है जितने अगर बहुत ज़्यादा अभियोजन साक्षी हैं तो भी जितने कितने भी अभियोजन साक्षी हैं किन किन लोगों ने अभियुक्त के विरुद्ध गवाही दिया है किन किन साक्षियों ने अपराध को घटित होते हुए देखा है कि उसी उसी अभियुक्त ने अपराध किया है कैसे उन्होंने स्टेटमेंट अन्वेषण के दौरान रिकॉर्ड कराया है तो अभियोजन साक्षी की सूची भी अभियुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वह अपना बचाव कर सके और अपने पक्ष में वह अपने गवाहों को अपने साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर सके कि उसकी बातों को उसके सरकारी गवाह के सूची कथन को, को काटा जा सके जब ट्रायल प्रारंभ होगा विचार प्रारंभ होगा तो अभियुक्त अगर ज्ञात है कि जैसे यह प्रोसिक्यूशन विटनेस की उपयोगिता क्यों है जब प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट अगर अभियुक्त के पास होगी तो अभियुक्त भी अपने गवाहों के माध्यम से साक्षियों के माध्यम से ट्रायल के समय न्यायालय में यह कह सकता है कि जो अभियोजन साक्षी की लिस्ट अभियोजन ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है दो लोगों ने जो गवाही दी है अभियुक्त के प्रति उन गवाहों के उन साक्षियों के बैकग्राउंड को देखा जाए कि जिस तारीख और समय पर घटनास्थल पर वह मौजूद होने की बात करते हैं वास्तव में उस दिन वह घटनास्थल पर नहीं थे अभियुक्त के पास ऐसा साक्ष्य यदि वास्तव में अभियुक्त के पास वह साक्ष्य है और न्यायालय में साबित कर देता है कि अभियोजन साक्षी जो दो लोग हैं या तीन लोग हैं जितने लोग हों वे लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे उनकी उपस्थिति उस तारीख और समय पर अन्यत्र अनेत्रिस में है ऑफिस का रिकॉर्ड है और अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें उनकी उपस्थिति है तो इस यह साक्ष्य साबित करने के पश्चात अभियुक्त दोषमुक्त हो सकता है अभियुक्त को एक्विटल किया जा सकता है इसलिए अभियुक्त को सरकारी गवाहों की सूची प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट प्राप्त करने का उसका लीगल राइट है विधिक अधिकार है कि वह प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट उसे उपलब्ध कराई जाए अब एक किस्में और डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वह है सेक्शन 164 हम जिसको अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त के स्टेटमेंट अभियुक्त के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का पावर दिया गया है अपराध पीड़ित या पीड़िता के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का पावर मजिस्ट्रेट को दिया गया है तो अभियुक्त यह दावा कर सकता है कि उसे 164 का स्टेटमेंट उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए यह ट्रायल के समय न्यायिक मजिस्ट्रेट का की लीगल ड्यूटी है यह समस्त डॉक्यूमेंट अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाए तो 164 का डॉक्यूमेंट यहाँ कैसे रेलिवेंट होगा यदि किसी पीड़ित या पीड़िता ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया है तो अभियुक्त के पास यदि वह कॉपी होगी प्रति होगी तो वह अपना बचाव प्रभावी तरीके से कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के समय प्रति परीक्षा के समय जब ऐसे अभियोजन साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे जैसे कि यदि अपराध पीड़िता ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया है कि उसके अभियुक्त के लोगों ने मिल कर के उसके पिता की हत्या की है उदाहरण के तौर पर समझा जाए जैसे जाहिरा शेख का मामला है जाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट उस जिसे हम बेस्ट बेकरी केस के नाम से भी जानते हैं यह उल्लेख करना यहाँ पर थोड़ा इसमें स्लाइड में मैं नहीं इसको मेंशन कर पाया कि जाहिरा शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात ए आई आर टू थाउजेंड फाइव सुप्रीम कोर्ट दैट केस इज पॉपुलरली नोन एज बेस्ट बेकरी केस बेस्ट बेकरी कांड एक हुआ था गुजरात में गोधरा कांड के पश्चात वहाँ पे हिंसक भीड़ ने एक बेकरी की शॉप में जो जाहिरा शेख के पिता के द्वारा चलाई जा रही थी उसमें कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसके जाहिरा शेख के पिता और कुछ अन्य लोगों की मृत्यु कारित कर दी थी जिसमें जाहिरा शेख के द्वारा एफ भी कराई गई और जाहिरा शेख और उसकी माँ उस मामले में विटनेस थी गवाह थी साक्षी थी तो अन्वेषण के दौरान उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया था यह प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट है इस केस को वहाँ देख सकते हैं और उसने स्वयं 164 के अंतर्गत भी मजिस्ट्रेट के समझ भी बयान उसने दिया कि मैंने इन इन अभियुक्तों को देखा इन इन लोगों ने मेरे पिता उस दुकान को बेस्ट बेकरी शॉप को शटर को गिराया और उसमें आग लगाई और उसके पश्चात मेरे पिता और अन्य लोग उसमें मारे गए अब यह स्टेटमेंट देने के पश्चात भी गवाह का न्यायालय के समक्ष मुकर जाना अपने पहले बयान से क्योंकि यह स्टेटमेंट जो हुआ है अन्वेषण के दौरान हुआ है अब ट्रायल प्रारंभ हो रहा है तो अभियुक्त को कापी उपलब्ध कराई जा रही है जब विचार प्रारंभ हुआ तो ये जो विटनेस थी यह रिट्रैक्ट कर गई होस्टाइल हो गई उसने बोला कि मैंने नहीं देखा इस समय की जो स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड कराया पुलिस को मजिस्ट्रेट को वो मेरे ऊपर दबाव था और इस दबाव में मैंने ये बातें सब कही थी अब चूंकि साक्ष के अभाव में चूंकि इस जाहिरा शेख अपने पहले प्रीवियस स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर गई आ, मुकर गई जिससे कि बेस्ट बेकरी कांड में उस जाहिरा शेख मामले में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया जब उस मामले में बरी कर दिया गया तो साक्ष्य के अभाव में सभी सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया तो इस जाहिर से को अपने बयान से पलटने के लिए इसके विरुद्ध केस फाइल किया गया कि यह होस्टाइल यह बार बार अपने बयान को बदल रही है चूंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया जाता है वह शपथ पर होता है और मिथ्या साक्ष देने के आरोप में इसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई कि इन्होंने प्राधिकारी के विरुद्ध प्रा, न्यायालय में मिथ्या साक्ष दिया है वहाँ पर इन्होंने कुछ बोला और जब ट्रायल प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर अपने बयान से यह मुकर गई तो ये कभी कभी इस प्रकार की स्थिति आती है कि हम इसे ध्यान में रखना है छात्रों को कि प्रोसिक्यूशन विटनेस है जैसे 161 के स्टेटमेंट कहाँ ज़ाहिर सेख का मैंने उदाहरण बताया 164 का स्टेटमेंट बताया बताया कि मजिस्ट्रेट से उसने बयान दिया है तो अब इसे अगर देखें तो एक किसमें और केस उल्लेख करना चाहेंगे जैसे यह एक केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अमरमणि त्रिपाठी एंड अदर्स की केस है जिसमें अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर एक निधि मधुमिता शुक्ला जो गायिका थी पोएट्री थी वह लखनऊ में हत्या करने के लिए उन्हें आरोपित किया गया था अब यह देखिए इंपॉर्टेंट कैसे है मृतका की बहन निधि शुक्ला नाम है निधि शुक्ला के द्वारा स्टेटमेंट दिया एफ कराया गया एंड सी वॉज आई विटनेस वह उस मामले की मतलब एक गवाह इंपॉर्टेंट गवाह थी विटनेस थी अभी सीजीसी ले लाइव अभी भी वो जीवित है तो उसके स्टेटमेंट को पुलिस ने अनुशीलन के दौरान रिकॉर्ड किया धारा 161 के अंतर्गत उसने स्टेटमेंट दिया कि इन लोगों ने मिलकर मारा अब चूंकि उसे इस बात का खतरा था कि उसे उस उस उसकी भी मृत्युकारित की जा सकती है तो उसने अपने को बचाव के लिए अपने स्टेटमेंट को 164 में दर्ज करा दिया चूँकि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करा देने से एक प्रकार की सिक्योरिटी हो जाती है कि पुलिस अगर अपने स्टेटमेंट में कुछ फेरबदल कर ले उसको मैनुपलेट कर ले, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष जो स्टेटमेंट दिया है विक्ट अपराध पीड़ित ने उसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ या तब्दील बदलाव नहीं हो सकता है तो इस तरह से ये, ये इस ऐसी स्थितियों में सामान्यतः अपराध पीड़ित या पीड़िता अपना स्टेटमेंट जो है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड कराती हैं तो उस निधि उस आ, मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में निधि शुक्ला विटनेस के द्वारा मजिस्ट्रेट के समझ भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया गया कि मैंने जो कहा है वह मैं उस बयान पे कायम हूँ और ये लोगों ने मिलकर के उसकी सिस्टर को मारा है जिसके आधार पर यद्यप की जब पुलिस ने अन्वेषण किया तो पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि इसमें अमरवीण त्रिपाठी उनकी पत्नी की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है इन लोगों ने मिलकर नहीं मारा है अब इस मामले में निधि शुक्ला उस से संतुष्ट नहीं थी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी उसने हाई कोर्ट में सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी जब सीबीआई बी इंक्वायरी सी ने जांच की तो उसमें अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दोनों को अभियुक्त बनाया गया क्यों ऐसा माना गया कि जो मृतक मधुमिता मिर्त, शुक्ला थी सी वॉज प्रिग्नेंट एट द एट द टाइम ऑफ डेथ वह मृत्यु के समय प्रेग्नेंट थी गर्भवती थी और घर में उसका बच्चा डीएनए टेस्ट हुआ तो ये मैच हो गया कि और उसके घर में पल रहा बच्चा उस अभियुक्त के थे डीएनए टेस्ट के माध्यम से जो वैज्ञानिक साक्ष्य था न्यायालय के समझ यह भी आ गया जिससे कि अब उसकी बात पीड़िता की बात स्टेटमेंट और वह वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों मिल करके न्यायालय के लिए न्यायालय के लिए यह आसान हो गया अभियुक्त को दंडित करने के लिए अब तत्पश्चात जब वन सिक्सटी फोर की स्टेटमेंट को दिया गया और उसके पश्चात जब ट्रायल प्रारंभ हुआ तो उस केस में दोनों को दोषिद्धि हो गई और हाई कोर्ट ने भी सत्र न्यायालय के निर्णय को दोषी अफर्म करते हुए अप्रूव करते हुए दोनों को अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दोनों को उस मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी अब यह देखें कि किस तरह से मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था ऐसे आरूसी मर्डर केस भी है इसमें बहुत ओ, लंबा हो जाएगा लेकिन कम से कम छात्रों को यह जानना है कि 161 के स्टेटमेंट और 164 के स्टेटमेंट में अगर विटनेस ने दर्ज कराई है तो मैं ये जो दो केस बताया दृष्टांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि विटनेस के स्टेटमेंट की उपयोगिता और महत्व कितना है यदि 164 में भी दे दिया है और 161 में भी दिया है तो भले पुलिस उसमें कुछ मैन्यूपलेसन कर ले, लेकिन अगर वन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है तो कभी भी पुलिस 161 के स्टेटमेंट में फेरबदल नहीं कर पाएगी उसको डर लगा रहता है कि मेरे यहाँ चूंकि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है यही जा करके मजिस्ट्रेट के यहाँ भी बोली होगी और बोला होगा या बोली होगी तो ऐसी स्थिति में वह मैनुपलेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है तो यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट का यूटिलिटी क्या है कितना सिग्निफिकेंस है साक्ष में वन के स्टेटमेंट को ट्रायल के समझ ये मैंने बताने का प्रयास किया है तो मैं ये समझता हूँ कि इतने के बाद जो राइट टू फेयर ट्रायल के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं अब पुनः आते हैं उसी जगह जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था कि सेक्शन टू के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकर है कि वह कार्रवाई प्रारंभ करने के पहले विचारण प्रारंभ करने के पहले यह सुनिश्चित कर ले कि क्या अभियुक्त को एफ आई आर की कॉपी निःशुल्क उपलब्ध हुई है एक के अंतर्गत सरकारी गवाहों की सूची निःशुल्क दी गई है नहीं दी गई है 164 के स्टेटमेंट को दिया गया है नहीं दिया गया है पूरी चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट की उसको इन्फॉर्मेशन पूरी प्रति अभ्युक्त को दी गई या नहीं इस सारे दम इस समस्त दस्तावेज का उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य केवल और केवल यह है कि अभियुक्त को उस स्थिति में ला देना कि अभियुक्त अपना बचाव न्यायालय के समझ उचित तरीके से कर सके और यही सिद्धांत पर आधारित है आपराधिक विधि सिद्धांत पर आधारित है कि एक हज़ार एक हज़ार भी यदि अपराधी छोड़ने पड़ जाएँ तो एक, एक हज़ार अपराधियों को छोड़ा जाना वह एक, एक हज़ार अपराधियों को छोड़ा जा सकता है परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए इस सिद्धांत के आधार पर आपराधिक विधिकार करती है और इसीलिए कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समय साबित न कर दिया जाए इसी धारणा के तहत ये सेक्शन टू थर्टी एट कम्प्लायंस कराना मस्ट है मजिस्ट्रेट के लिए अब सेक्शन टू थर्टी एट का कम्प्लायंस मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट ने करा दिया दूसरा जो सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त को डिस्चार्ज करना डिस्चार्ज को हिंदी में बोलते हैं उन्मोचन करना उन्मोचन का अर्थ है कि प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और अभियुक्त निर्दोष प्रतीत होता है अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जाता है यह डिस्चार्ज अभी देखें डिस्चार्ज उन्मोचन केवल सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट एक दंडादेश का कुछ समय के लिए निलंबन है और यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य उस अभियुक्त के विरुद्ध मिल जाएगा तो जो डिस्चार्ज किया गया अभियुक्त है उसके विरुद्ध पुनः उसी आधार पर उन्हीं मा उसी आपराधिक मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायालय दोषिद्ध कर सकता है इसीलिए उन्मोचित अभियुक्त भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ नहीं ले सकता है स्लाइड के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो डिस्चार्ज है आप देखें सेक्शन टू थर्टी नाइन के नीचे मैंने बना कर लिखा है रो बना के आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू में यह प्रावधान किया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है तो यह दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू में दिया हुआ है अब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है अब यह संविधान में प्रोटेक्शन दिया गया संरक्षण दिया गया आर्टिकल बीस दो के अंतर्गत हम जैसे डबल जी पार्टी बोलते हैं तो अब यह प्रश्न है कि क्या ऐसे अभियुक्त को जो वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया उन्मोचित कर दिया है क्या वह संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ ले सकता है उत्तर होगा नहीं ले सकता है वह लाभ लेने का हकदार नहीं है क्यों क्योंकि उन्मोचन मुक्ति नहीं माना जाता उन्मोचन जो है अल्पकाल के लिए दंड का निलंबन माना जाता है और उसी अभियुक्त को उसी अपराध में पुनः अन्य साक्ष मिलने पर आपराधिक मुकदमा चला करके दंडित किया जा सकता है केवल न्यायालय यहाँ पर जो उसके समक्ष उपलब्ध साक्ष्य हैं सरसरी तौर पर अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए उसे प्रतीत होता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाए तो ये बात हो गई उन्मोचन का अब उन्मोचन यदि नहीं होता तो तीसरा जो स्टेप होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा वह स्टेप होगा आरोप का तय किया जाना यदि आरोप तय करने का केवल और केवल अर्थ यही निकाला जा सकता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के मस्तिष्क में यह बात है या कहें कि न्यायालय की राय में अभियुक्त ने ही अपराध किया है यह आरोप तय करने का उद्देश्य होता है यदि उन्मोचन की कार्रवाई नहीं होती और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो आरोप तय करने के लिए तारीख और समय नियत करता है और उस नियत किए गए तारीख और समय पर डेट फिक्स कित करता है और उस डेट पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किया जाएगा यदि आरोप तय करने के पश्चात मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त से पूछा जाए कि क्या वो अपना दोष स्वीकार करता है तो दोषी होने के अभिभाग पर मैंने स्लाइड के माध्यम से देखिए जो बताया है चौथा जो इंपॉर्टेंट फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है वह है दोषी होने के अभिभाग पर दो सिद्धि यह सेक्शन 241 में दिया हुआ है अब दोषी होने के अभिभाग पर दो सिद्धि जब अभियुक्त चार्ज फ्रेमिंग के पश्चात न्यायालय के द्वारा अभियुक्त से पूछा जाता है कि क्या अपना वह दोषी होना स्वीकार करता है या अपना बचाव करता है ये क्यों ऐसा इसी स्तर इस पे पूछा जाता है ऐसा इसलिए है कि जो साक्ष्य हैं वो पर्याप्त अभियुक्त के विरुद्ध हैं और न्यायालय को भी लगता है कि अभियुक्त अगर अपना गिल्टी यहीं पर स्वीकार कर लेता है तो आगे की कोई कार्रवाई न की जाए अब यह संभव है कि कितने आपराधिक मामलों में अभियुक्त गिल्टी प्लीट करेगा यह चांस रेरेस्ट ऑफ रेयर होता है सौ में एक परसेंट ऐसा चांस है जब अभियुक्त अपना अपराध न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर ले और फांसी पर चढ़ जाए या आजीवन कारावास भोगने को तैयार हो जाए ये ऐसा बहुत ही Uh, कम मामलों में होता है एक परसेंट मामले ऐसे होते होंगे जिसमें कर, कैसे कुछ ऐसे एक परसेंट अपवाद हैं जहां पर हम मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से आप देखते होंगे या केस सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हाई कोर्ट तक केसे जाते हैं देखते होंगे कि कोई व्यक्ति निर्धन है निर्धनता या गरीबी के कारण वह अपने बच्चे और पत्नी का इलाज कराने में असमर्थ है और बच्ची पत्नी को मार डाला और जिस हथियार से मारा है वह हथियार ले आकर के पुलिस थाने में बोलता है कि मैंने आई हैव किल्ड दिस I have killed my wife and children. मैंने मारा है मैंने हथियार से मारा है कभी कभी ऐसे मामले मीडिया में आते हैं वो बहुत ही रेयर स्टाफ रेयर होते हैं वैसे दुस्साहसिक स्थिति या तो नशे की हालत में या इस तरह के अपराधी होते हैं जो करते हैं स्टेटमेंट जब हुआ मजिस्ट्रेट के समय तो बोला कि हाँ मुझे उस कोई पश्चाताप नहीं मैंने इसको ऐसे मारा या कोई बहुत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो या कोई हैबिचुअल पेशेवर अपराधी हो वो ऐसा करते हैं बोलते हैं कि नहीं मैंने मारा मुझे कोई प्रायाचित नहीं है कोई पछतावा नहीं है तो वह स्टेटमेंट 164 का भी हो जाता है वहाँ भी इस कबूल कर लिया है मारा है और जब न्यायालय में आता है तो एक औपचारिकता होती है वहाँ भी बोलता है कि मैंने मारा है अब ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए कुछ सोचना रह ही नहीं जाता है कि अभियुक्त दोषी है उसको सजा हो गई कन्विक्शन हो गया यह एक परसेंट चांस होगा नाइन्टी नाइन परसेंट स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इस स्टेप पे अभियुक्त कभी भी ये नहीं कहेगा कि वह गिल्टी है दोषी है वह बोलता है कि वह निर्दोष है और अपने बचाव का दावा करता है ऐसी स्थिति में जब वह निर्दोष होने का दावा करता है तो क्या प्रक्रिया होगी और यदि इसी के नीचे मैंने स्लाइड पर देखिए लिखा हुआ है कि आ, अगर दोषी होना स्वीकार करता है तो नीचे सेक्शन 360 लिखा है प्रोवेशन लिखा हुआ है एक शब्दावली है प्रोवेशन इसकी हिंदी होती है परविक्छा अब देखें कि जब अगर दो अपना दो हो गया तो दो के पश्चात यदि न्यायालय का न्यायालय संतुष्ट हो जाती है कि यह प्रथम डिग्री ऑफेंडर पहली बार इसने अपराध किया है इक्कीस वर्ष से कम आयु का है इसको परीक्षा पर छोड़ दिया जाए या पुनः समाज की मुख्य धारा में इसको सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए तो इस विचार से सीआरपीसी की धारा थ्री सिक्सटी आपराधिक न्यायालय को यह पावर देती है कि जहां पर अपराध अभियुक्त के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए उस स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को जेल न भेजते हुए सजा न कारावास न देते हुए उसे सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए न्यायिक निगरानी में जुडिशियल सुपरविज़न में धारा 360 के अंतर्गत परीक्षा पर छोड़ दिया जाए यदि परीक्षा के दौरान जो सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि होती है परीक्षा के दौरान यदि अभियुक्त तो पुनः उसी प्रकार का अपराध कर देता है अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो पुनः उसे गिरफ्तार कर जेल में लाया जाएगा और इस बार चूंकि वह पेशेवर हो चुका है न्यायालय की कोई उदारता उसके प्रति नहीं होगी और सख्त से सख्त उसके ऊपर सजा दी जाती है ऐसी परिस्थितियों में लेकिन जो परवीक्षा का उद्देश्य है जो प्रोवेशन का उद्देश्य है प्रोबेशन सी की धारा तीन के अंतर्गत रिफार्मेटिव रिहेबिलिटेशन पुनर्वास और एक सुधार एक सुधारात्मक सिद्धांत के तहत यह अवधारणा विकसित की गई इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया कि अगर पेशेवर अपराधी नहीं है फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर है पहली बार अपराध किया है तो उसे समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित होने का एक अवसर एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए प्रायशित करने का उसे एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए इस मंतव्य के साथ परीक्षा को सी की धारा थ्री के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है तो हम देखते हैं कि परीक्षा सेक्शन थ्री सिक्सटी के अंतर्गत दो सिद्धि के पश्चात कैसे उसको प्रोवेशन पर छोड़ा जाएगा इसको हमने देखा अब आते हैं स्लाइड को देखें तो इसमें दो सिद्धि हो गई दो सिद्धि के पश्चात उसे प्रोवेशन पर छोड़ दिया गया परीक्षा पर छोड़ दिया गया दो सिद्धि यदि स्वीकार नहीं करता बोलता है कि वह निर्दोष है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास दो ऑप्शन हैं न्यायालय अब सरकारी पक्ष को अभियोजन को साक्ष के लिए एक डेट फिक्स करेगी कि आप सब अपने स्टेटमेंट अपने एविडेंस प्रस्तुत करिए अभियोजन के लिए साक्ष करेगी अभियोजन साक्षियों के लिए उनकी साक्षियों गवाहों की परीक्षा होगी और उसके पश्चात जो बचाव पक्ष मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है प्रतिरक्षा का साक्ष्य देखें अभियोजन का साक्ष्य पहले सरकारी पक्ष का साक्ष्य होगा गवाहों के स्टेटमेंट होंगे धारा 242 के अंतर्गत अब डिफेंस का विटनेस होगा जो अभियुक्त है जो बचाव करना चाहता है उसके साथ होंगे साक्ष लिखने के पश्चात अब स्थितियाँ हैं कि ट्रायल फिनिश हो गया दोनों पक्षों की आर्गूमेंट बहस हो गई दोनों पक्षों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया अब यह जो स्लाइड मैंने लिखा है विचारण की समाप्ति सेक्शन 248, फोर्टी के अंतर्गत ट्रायल कंप्लीट हो गया अब ट्रायल की कंप्लीट होने का केवल और केवल एक ही अर्थ है या तो न्यायालय अभियुक्त को दो सिद्धि प्रदान करेगा या अभियुक्त को दोषमुक्ति प्रदान करेगा मैंने लिखा हुआ दोष सिद्धि करेगा और दूसरा में लिखा है दोषमुक्ति करेगा तीसरा इसमें एक एरो बना के दिया है निराधार अभियोग है तो कंपनसेशन लेगा और दो सिद्धि यदि करता है स्लाइड में देखें यदि दोष सिद्धि करता है तो दंड देने के दंड सुनाए जाने के पहले एक अवसर अभियुक्त को और दिया जाता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री सेंटेंस हियरिंग और हिंदी में लिखा है मैंने दो सिद्धि पुरुष सुनवाई यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है यह सत्र न्यायालय के समक्ष भी यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है सेक्शन 235 के अंतर्गत कि जब सत्र न्यायालय किसी भी विचारण की समाप्ति के पश्चात सत्र न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है तो अभियुक्त के दंडादेश अभियुक्त को दंडादेश सुनाए जाने के पूर्व उसे एक सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा इसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि देखें इसको मानवीय आधार पर यह प्रावधान किए गए सत्य न्यायालय के समक्ष भी प्री सेंटेंस हियरिंग प्री सेंटेंस हियरिंग ऐसा क्यों किया गया सत्य न्यायालय के समक्ष या प्री सेंटेंस हियरिंग अभियुक्त को क्यों दिया जाए यह अभियुक्त को आपराधिक मामलों में न्यायालय के द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ऐसा अवसर होता है जब अभियुक्त के अभियुक्त दोषी है न्यायालय की निगाह में न्यायालय की राय में अभियुक्त ने अपराध किया है यह निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंच चुका है तो प्री सेंटेंस हियरिंग दंडादेश सुनाए जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करना यह अभियुक्त को एक अवसर प्रदान करना है कि अभियुक्त अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को न्यायालय के समक्ष बता सके कि अभियुक्त अपने परिवार का एकलौता ब्रेड विनर है एकलौता कमाने वाला सदस्य है उसके जेल जाने से परिवार पर आर्थिक संकट का आर्थिक संकट का सामना करना होगा परिवार को इसलिए प्री सेंटेंस हियरिंग देने की आवश्यकता महसूस की गई कानून में और इस उद्देश्य से प्री सेंटेंस हियरिंग न्यायालय अभियुक्त को देता है इसीलिए ध्यान से आप देखेंगे जब कभी भी सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट वारंट मामलों में अभियुक्त को दंडादेश सुनाता है कारावास सुनाता है तो उस तारीख और समय पर एक सुनने का अवसर अभियुक्त को उपस्थित अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहता है और उसे एक अवसर प्रदान करता है कि क्या वह अपने पक्ष में दंड की मात्रा के प्रति कुछ बोलने के लिए कुछ कहना चाहता है तो यह प्रावधान न्यायालय अभित को दंडादेश देते समय उसके क्रिमिनल हिस्ट्री उसके पेशेवर होने का उसके उसकी फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उसके दंडादेश की मात्रा को कम कर सकता है इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि प्री सेंटेंस हियरिंग को ये किया दूसरी बात जुर्माना लगाते समय पेनाल्टी इम्पोज करते समय भी उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है सामाजिक आर्थिक स्थिति है न्यायालय उसको भी ध्यान रखता है कि जुर्माना कहीं इतना अधिक ना हो जाए कि वह अभियुक्त देने में असमर्थ हो जाए तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्री सेंटेंस हियरिंग कॉन्सेप्ट को आपराधिक मामलों में लाया गया है और यह भी एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि एक अवसर और दिया जाए अभियुक्त को दंड सुनाए जाने के पूर्व यदि वह न्यायालय में साक्ष्य के माध्यम से यह साबित कर ले जाता है कि उसके पास बी कार्ड है वह ही इज़ हैविंग बी कार्ड वह बी कार्ड है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है और अपराध इन विशेष परिस्थितियों में किया मजबूरी में उसने अपराध किया है और वह व्यवस्था थी यदि वह नहीं मारता तो उसको मार दिया जाता या इस इस विशेष परिस्थिति में अपराध किया है तो ऐसी स्थिति में उसकी सामाजिक आर्थिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय दंड की मात्रा कारावास की मात्रा जुर्माने की रकम को कम करता है इस यह कॉन्सेप्ट आपराधिक मामलों में प्री सेंटेंस हियरिंग के माध्यम से फुलफिल किया जाता है तो यह हो गया दोष सिद्धि के पूर्व सुनवाई का अब दूसरा इसमें मैंने स्लाइड में देखिए लिखा है दोष मुक्ति उसको एक्विट कर देगा दोष मुक्त कर देगा और तीसरा यदि है इसमें लिखा है निराधार अगर अभियोग है तो प्रतिकर धारा 250 उसके नीचे मैंने स्लाइड बताया है 357 अब इसको ध्यान से देखना है कि सेक्शन 250 और 357 में क्या अंतर है इसी धारा 250 के अंतर्गत वारंट ट्रायल में देखें कि यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त निर्दोष है अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है और यह जो है निराधार उसको गिरफ्तार करवाया गया है जो गिरफ्तारी हुई है वह निराधार है ग्राउंडलेसली अरेस्ट है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसने गलत एफ करके उसको गिरफ्तार करवाया है उसे विवश करेगा उतना जुर्माना देने के लिए जितना जुर्माना कंपनसेशन वह मजिस्ट्रेट पेनाल्टी इम्पोज करने की अधिकारिता रखता है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में इसको समझा जा सकता है कि अगर किसी दुकानदार के द्वारा अपने दुकान पर कार्यरत किसी व्यक्ति किसी बच्चे बालक को चोरी के अपराध में पकड़वा दिया जाता है बाद में वास्तव में पता चलता है कि बच्चा ने चोरी नहीं किया उस लड़के ने चोरी नहीं की कुछ आपसी रंजिश के कारण जो है उसने बच्चे को पकड़वाया था अब यहाँ पर यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है तो ऐसी स्थिति में वह बालक उस दुकानदार से उतना हर जाना कंपनसेशन प्राप्त करने का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा जितना न्यायालय जुर्माना लगाने की अधिकारिता रखता है ऐसी स्थिति में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वह अधिकतम दस हज़ार रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगा सकता है धारा 250 के अंतर्गत तो ये देखें कि ये जब सी आर पी सी बनी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में उन्नीस सौ तिहत्तर में सी आर पी सी जब बनी तो उस समय दस हज़ार रुपये की कीमत पाँच हज़ार रुपये की कीमत ज़्यादा रही होगी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जुर्माना लगाने की फाइन इम्पोस्ट करने की पावर रखता था आज के परिवेश में वर्ष 2023 में यह संशोधन कर यह ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन करके यह लिमिट अवश्य बढ़ाई जानी चाहिए तो सेक्शन 250 की जो यूटिलिटी है उपयोगिता है आप देखें कि इतना जुर्माना लगा प्रतिकर प्राप्त करेगा जितना वह जुर्माना लगाने की पावर क्योंकि उससे ज़्यादा कोर्ट कंपनसेशन दे ही नहीं सकता है इस इसका मतलब यही हो गया तो अब ऐसी स्थिति में नीचे जो मैंने लिखा था स्लाइड में कि सेक्शन 357 उसमें आगे आएगा क्या है सेक्शन 357 सीआरपीसी का सीआरपीसी की धारा तीन सौ सत्तावन ये प्रावधानित करती है कि आपराधिक मामलों में प्रतिकर प्रदान किया जाएगा तो आपराधिक मामलों में प्रतिकर प्रदान करने की जो धारा तीन सौ सत्तावन थ्री फिफ्टी सेवन न्यायालय को पावर देता है यहाँ पर अभियुक्त तो उतना प्रतिकर प्राप्त कर सकता है जितनी उसकी जितना उसका वास्तव में लॉस हुआ है नुकसान हुआ है उदाहरण के तौर पर यदि वह बच्चा जिसको मैंने अभी ठीक इसके पहले दृष्टान बताया है जो दुकान पर कार्य कर रहा था दुकानदार ने बच्चे को किसी गलत आरोप में फंसा करके जेल भेजा था यदि वह धारा तीन सौ सत्तावन के अंतर्गत क्लेम करेगा कंपनसेशन तो धारा थ्री फिफ्टी सेवन के अंतर्गत कंपनसेशन उसको ज़्यादा मिलेगा तो वास्तव में जब धारा तीन में कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा तो 350 में वो मुकदमा क्यों करेगा 350 के अंतर्गत वो क्लेम क्यों करेगा इसलिए सेक्शन 357 के अंतर्गत जब वो वाद दायर करेगा केस फाइल करेगा अपने उस दुकानदार के विरुद्ध तो न्यायालय उस बालक के पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जितना उसका एक दिन का वह कमाई थी जिसका वह एक दिन का वह पैसा अर्न कर रहा था अर्जित कर रहा था और जितने महीने वह जेल में रहा एक महीने दो महीने छः महीने जेल में रहा तो मल्टीप्लाई बाई अगर मान लीजिए छः महीने जेल में रहा तो छः महीने सिक्स मंथ इंटू आ, अगर दस हज़ार रुपया पा रहा है तो सिक्स इंटू टेन हो गया साठ हज़ार रुपया तो उसे साठ हज़ार रुपये का हर जाना प्रतिकर देने के लिए दुकानदार को विवश किया जा सकता है ये धारा थ्री फिफ्टी सेवन में और वहाँ तो एक दस हज़ार रुपये से ज़्यादा पाएगा नहीं तो यह देखने की बात है कि हम Uh, कौन सी धारा इनसिग्निफिकेंट है कौन सी धारा ज़्यादा uh, महत्वपूर्ण है इसको अगर हम कम्परेटिव तुलनात्मक कर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ये पाएंगे कि यह धारा सेक्शन टू 357 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैसे ही सेक्शन 357 के अंतर्गत अभी यदि इस ट्रायल की बात करें जो वारंट ट्रायल है तो सेक्शन थ्री के अंतर्गत जो उसका हेडिंग ही है सी के अंतर्गत आपराधिक मामलों में प्रतिकर कंपनसेशन ये सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन में अभी धारा तीन सौ सत्तावन कौष संशोधन के माध्यम से भी सी में जोड़ा गया है उसको भी आप को आप सभी छात्रों को जानने की आवश्यकता है कि सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन क्या है अब यदि देखें धारा ये सो हो गया धारा दो सौ की बात इसी में सेक्शन 249 है कि अगर परिवाद पर मामला है परिवादी अनुपस्थित है वारंट ट्रायल है और शिकायतकर्ता अनुपस्थित है एबसेंट है तो ऐसी स्थिति में परिवाद का उस परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा या उसका परिणाम क्या होगा ये सेक्शन 249 में बताया गया है वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि परिवादी अनुपस्थित है और परिवाद समनीय है जो अपराध की शिकायत की गई है वह समनी है तो ऐसी स्थिति में अबिद को दोषमुक्त नहीं किया जाएगा अभिद को उद्मोचित कर दिया जाएगा ऐसे मामले में सेक्शन टू फोर्टी नाइन के अंतर्गत तो यह ट्रायल इस रूप में विषाण की समाप्ति के पश्चात देखें इसमें भी मैंने एक बताया कि धारा थ्री फिफ्टी सेवन का रोल टू फिफ्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है इस पर केस सुप्रीम कोर्ट की केसेस भी हैं कि आपराधिक मामलों में कंपनसेशन कितना लिया जा सकता है और कोर्ट कंपनसेशन कितना आपराधिक मामलों में दे सकती हैं तो इसके पश्चात जहाँ पर मैंने बताया प्री सेंटेंस यियरिंग है दो सिद्धि हुई है दो सिद्धि के पश्चात यहाँ पर भी एक प्रोबेशन का रोल आता है परीक्षा का रोल आता है कि जहां पर अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया विचारण की समाप्ति के पश्चात न्यायालय की राय है कि अभियुक्त दोषी है तो अभियुक्त को दोषी सिद्ध करते हुए उसे परीक्षा पर पुनः छोड़ सकता है मैंने जैसा कि बताया परीक्षा का कांसेप्ट धारा थ्री सिक्सटी के अंतर्गत इस उद्देश्य से लाया गया जिससे कि उस अभियुक्त को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके पुनर्वासित किया जा सके सेक्शन 360 के अंतर्गत दो बातें जो महत्वपूर्ण है याद करना वह यह है कि अभियुक्त यदि इक्कीस वर्ष से कम आयु का है उसके द्वारा अपराध किया गया और दो सिद्धि की गई तो प्रोबेशन क्या होगा और इक्कीस वर्ष से अगर अधिक आयु का व्यक्ति है उसने यदि अपराध किया है तो दो सिद्धि के पश्चात परीक्षा के जो कर टर्म एंड कंडीशन हैं वह क्या होंगे तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर यह सेक्शन 360 जो तीन सौ प्रोवेशन के प्रावधान हैं वह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है जैसे कि मैंने प्री सेंटेंस हियरिंग को बताया सेंटेंस हियरिंग में वैसे ही सेक्शन 360 में कहा गया है कि वे व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर उनके द्वारा मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंड यदि कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सिद्ध करते हुए यदि परीक्षा पर छोड़ा जाता है तो उन्हें जेल न भेज करके उन्हें निगरानी न्यायिक निगरानी में परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है और वे व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक अधिक आयु के हैं मृत्युदंड या जीवन कारावास से भिन्न कोई अपराध किए हैं मतलब ऐसे अपराधों में उनको प्रोवेशन नहीं मिलता है मृत्युदंड आजीवन कारावास से भिन्न अपराध किए हैं उस अपराध किए जाने में न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त अपराध किया है दो सिद्ध किया जाता है दो सिद्धि के पश्चात यदि न्यायालय ऐसे अभियुक्त को परिवक्षा पर छोड़ता है प्रोबेशन पर छोड़ता है तो इसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि अभ्युक्त को पुनर्वासित करना उसे प्रायशित करने का एक अवसर प्रदान करना अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है सेक्शन 360 सिक्सटी प्रोवेशन के अंतर्गत कि ये परीक्षा है क्या परीक्षा भी एक प्रकार का पनिशमेंट है दोस्थिति के पश्चात अभ्युक्त को सुधारने के एक अवसर प्रदान करना है जो कि जेल में न रख करके उसे उसके घर पे रखा जाए वो अपने घर में रहे परिवार में फैमिली में रहे प्रतिदिन उसकी उपस्थिति संबंधित थाने में उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपने स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है और डे टू डे मॉनिटरिंग करने का उद्देश्य होता है कि वह सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहा है और पुनः अपराध उसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं है यह प्रोवेशन का उद्देश्य है दोबारा दूसरा यह है कि यदि वह उस उपस्थिति रजिस्टर को जो जिला प्रोवेशन अधिकारी है जिला परीक्षा अधिकारी के निगरानी में डे टू डे रिपोर्टिंग होगी और जिला परीक्षा अधिकारी भी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है मंथ टू मंथ मासिक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें इस बात को उस उल्लिखित किया जाता है कि जिले के भीतर जितने भी अभियुक्त परीक्षा पर छोड़े गए हैं उन लोगों ने पिछले विगत माह विगत वर्षों में सदाचारी जीवन व्यतीत किए हैं या किसी भी किसी भी कंडीशन का शर्त का उल्लंघन किए हैं कितने लोगों ने शर्त का उल्लंघन किया है उनको पुनः जेल भेजा गया है कितने सदाचारी हैं इसका ब्यौरा लेखा जोखा रखने के लिए ज़िले स्तर पर जिला प्रोवेशन अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो इस प्रकार से प्रोवेशन के उद्देश्य की प्राप्ति जिला प्रोवेशन अधिकारी के द्वारा किया जाता है मैं समझता हूँ कि वारंट ट्रायल वारंट ट्रायल किसे कहते हैं इस चार प्रकार के जो ट्रायल हैं समन ट्रायल और संक्षिप्त ट्रायल ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है यदि इस स्लाइड को ही केवल आप देखें जो मैंने शार ट्रायल बनाए हैं और धाराओं का उसमें उल्लेख किया है केवल इतना ही आप ध्यान रखें और मैंने इसको जो लिंक करने का संविधान से प्रयास किया है और अन्य धाराओं से इसको जो एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है यदि आप सभी इतना ही केवल आत्मसात करें इसका केवल पालन करें तो मुझे निश्चित पूरा विश्वास है कि प्रारंभिक परीक्षा में तो क्वेश्चन आप दो तीन क्वेश्चन इसी से केवल आएगा ट्रायल से केवल कि सम्मान ट्रायल किस में है संक्षिप्त ट्रायल किस में है इतना ध्यान रखें तो इतना ही आएगा और जो लिखित परीक्षा है उसमें भी केवल इतना ही यदि आप लिख दें इसको इस तरह से इसको प्रस्तुत कर दें बना करके डायग्राम और चित्र इसके माध्यम से तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप परीक्षा में सफल होंगे इसी उम्मीद विश्वास के साथ मैं अपने व्याख्यान लेक्चर को समाप्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप अपने परीक्षा में सफल हों धन्यवाद थैंक यू